अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हैं? आज बनाने जा रही हूँ हरिया कबाब, चिकन का हरिया कबाब। चलिए बनाते हैं। यहाँ हरिया कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ। 1 किलो चिकन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और यहाँ काली मिर्ची पाउडर, 1 नींबू और यहाँ 1 कटोरी भरकर दही, पुदीना, हरिया धनिया, अदरक, कटी हुई अदरक इतनी सी लेके हूँ मैं, अदरक 15 से 20 कलियाँ लहसुन के और हरी मिर्ची। सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे और यहाँ पर नमक, इसको अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसको यहाँ जार में ले रही हूँ मैं। पुदीना मैं यहाँ 1 मुट्ठी भरकर पुदीना ली हूँ। पुदीना, हरिया धनिया, हरी मिर्च, यहाँ 6 से 7 हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और लहसुन, हम इसको पीस लेंगे। अब हरिया मसाला यहाँ मैंने पीस कर काढ़ ली हूँ, जार से मैंने काढ़ ली हूँ। अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले 1 कप दही ले रही हूँ, गाढ़ा दही ले रही हूँ मैं। दही जो हमने हरिया मसाला पीस लिया था ना, ये हरिया मसाला, ये हरिया ही होता है, हरिया चिकन, हरिया कबाब हरिया ही होता है, इसलिए मैंने हरे मसाले पीसी हूँ। आप चाहे तो थोड़ा हरिया फूड कलर भी डाल सकते हैं। हरिया दही, हरिया मसाला, यहाँ 1 स्पून काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं, यहाँ 1/2 स्पून गरम मसाला ले रही हूँ, 1 स्पून भर के ज़ीरा पाउडर मैं और थोड़ा ले रही हूँ, और यहाँ धनिया पाउडर 1.5 स्पून धनिया पाउडर इसमें ले रही हूँ, और यहाँ 1.5 स्पून नमक, नमक देख कर ले लीजिए, मैं यहाँ 1 किलो चिकन के लिए ले रही हूँ, और यहाँ नींबू, इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। आप चाहे तो फूड कलर भी थोड़ा ले सकते हैं, यही बहुत हो जाता है। फिर भी आप चाहे तो और कलर चाहिए, और हरिया कलर चाहिए, तो आप फूड कलर हरिया कलर ले सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए मैंने मैरिनेट कर दी हूँ। अभी इसको जल्दी तलना है तो आप फौरन तल सकते हैं, नहीं तो इसको फ्रिज में 2 घंटे टाइम रख कर आप तल लीजिए, इसको बहुत टेस्टी बनता है ये। अभी मैं इसको फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए मैं रखती हूँ फ्रिज में, 1/2 घंटे के लिए, फिर निकाल कर मैं आपको पका कर बताऊँगी इसे। 1/2 घंटा हो चुका है, मैं फ्रिज में से 1/2 घंटे के बाद निकाल ली हूँ। अभी स्टोव ऑन करके पैन रख लेंगे हम। गैस ऑन कर मैंने कढ़ाई को रख दी हूँ। अभी इसमें हम तेल ले लेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें चिकन डाल लेती हूँ। अब इसको हम पकने देंगे 5 मिनट के लिए। इसको हिलाना नहीं, ऐसे ही पकाना है इसको 5 मिनट के लिए, हम ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको मैं फिरा लेती हूँ। 5 मिनट हो गए, फिर इसको मैं ऐसे फिरा लेती हूँ, क्योंकि 5 मिनट छोड़कर बनाने से अच्छे से पक जाता है, दो साइड भी बहुत अच्छे से पक जाता है। बहुत टेस्टी बनते हैं कबाब, आप भी बनाइए, ज़रूर से बनाकर खाइए। आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ ऐसे ही। ये तैयार हो चुका है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ।
ये देखिए तैयार हो चुका है हरिया चिकन कबाब, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है, अंदर से भी पक चुका है, बहुत टेस्टी रहता है। आप बनाइए, ज़रूर से खाइए आप बनाकर, टेस्टी कबाब बहुत अच्छा रहता है, चिकन हरिया कबाब। ये देखिए तैयार हो चुका है हरिया चिकन कबाब, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, इसे बहुत टेस्टी बनता है, बनाकर खाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।